नमस्कार, मैं रणवीर और आज हम चर्चा करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ सहयोगी है और हम जानेंगे कि क्या रहा इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव का फैक्टर। ओके, तो आज मेरा पहला क्वेश्चन मेरे सहयोगी से ये रहेगा कि क्या इस बार राजस्थान में मोदी फैक्टर चला है? देखिए राजवीर, बात करें मोदी फैक्टर की तो ये बिल्कुल चला है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अभी कुछ दिनों पहले बनी है, कुछ दिनों में, कुछ महीने, 3 महीने पहले। तो इसमें वो नारा चला था कि वसुंधरा तेरी खे नहीं, मोदी तुझसे बे नहीं, तो वो सच साबित होता यहाँ पे दिखाई दिया है लोकसभा के चुनाव में। और राजस्थान की जनता ने एक बार फिर से 2014 की तरह दिल खोल कर वोट दिया, और मुझे तो अभी तक इंतज़ार है पूरी वोटिंग परसेंटेज का कि कितने वोट आएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वोट परसेंटेज जो है पिछली बार से ज़्यादा यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मतलब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा किसी एक मतलब कंपटीटर के तौर पे एक दूसरे को डिफीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन इनसे ये रहेगा कि राजस्थान में इस बार 25 सीटों पर सबसे ज़्यादा हॉट सीट कौन सी रही और किस हॉट सीट पे क्या मतगणना रहेगी? देखिए राजवीर, अगर बात करें हॉट सीट की, तो चुनावों से पहले तो सारी सीटें हॉट लग रही थी, मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन आज रिजल्ट आ चुके हैं तो कहीं नहीं लग रहा कि कोई हॉट सीट थी, क्योंकि बीजेपी जहां भी जीती है बड़े मार्जिन से यहां जीत के आई है हर सीट पर, तो इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। लेकिन आपने कहा कि हॉट सीट कौन सी है, तो मैं थोड़ा सा आंकड़े यहां पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जयपुर शहर से जो अभी तक चुनाव आयोग के अनुसार आंकड़े आए हैं उनमें करीब 3,30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो रामचंद्र बोरा। पिछली बार इन्होंने जो देश में लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें इनकी 5वीं सबसे बड़ी जीत थी, तो ये अपने आप में बताता है कि मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास है वो अभी भी बना हुआ है और बल्कि बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये कहना कि इफेक्ट कौन सी सीटों पर ज़्यादा पड़ा है तो ये बिल्कुल लगता नहीं। अगर जोधपुर सीट की यहाँ पे हम बात करें वैभव गहलोत की, तो नरेंद्र मोदी रैली में भी आरोप लगाते रहे थे कि केवल अशोक गहलोत जो है अपने बेटे की सीट का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए। वो वहाँ पे भी बड़े मार्जिन से केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने आगे है, मतलब अभी ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जीत गए हैं वो भी। तो इसके बाद जयपुर ग्रामीण की बात करें हम, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी सदस्य की औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई। हाँ, अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अगर बात करें तो लगभग खबरें आ रही हैं जीत की। अगर जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूँ तो यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने खेल के मैदान से खिलाड़ी को उतारा था, कृष्णा पूनिया को, और लग भी रहा था कि टक्कर होगी, लेकिन अब रिजल्ट जो आए हैं, रुझान आए हैं, वोट परसेंटेज आ रहा है, वो बिल्कुल साफ है कि कहीं टक्कर नहीं है। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जो विकास कार्य किए हैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में, उनको देखकर या मोदी को देखकर जनता ने वोट किए हैं, वो अपने आप में जनता ने डिसाइड किया है और एक बड़े मार्जिन की तरफ बीजेपी को लेके गई है। क्योंकि पिछली बार अगर हम राजवीर देखें तो बीजेपी 282 पर थी और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 300 से पार, यानी कि मोदी और अमित शाह जो इंटरव्यू में कहते थे ना कि अब की बार बीजेपी 300 पार, वो आंकड़ा सही साबित होता नजर आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मतलब 300 पार जो अमित शाह और मोदी का कहना था वो कहीं ना कहीं 300-340 अभी चल रहा है आंकड़ा, वो कहीं ना कहीं 300 पार दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी कुलवंत है, कुलवंत से मेरा एक बहुत ही सटीक क्वेश्चन रहेगा जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि अब होगा न्याय। क्या अब रियल में होगा न्याय? क्या मोदी गवर्नमेंट जो अब आ चुकी है 340 और एक संपूर्ण बहुमत के साथ में, तो उस बहुमत से क्या अब देशवासियों के साथ न्याय होगा? आइए हम उनके विचार जानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी प्रतिक्रिया कि मोदी गवर्नमेंट अब न्याय करेगी, क्योंकि जनता ने 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मोदी लहर में मोदी गवर्नमेंट को चुन के जो 5 साल में उनके विकास कार्य देखे हैं उसको देखते हुए मोदी गवर्नमेंट को वापस जनता ने चुना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी गवर्नमेंट ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। तो जनता ने कहीं ना कहीं न्याय देखा है और विकास होते हुए देखा है, इस वजह से वापस मोदी गवर्नमेंट को चुना है। हाँ जी, कहीं ना कहीं 282 सीटों पर जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी गवर्नमेंट को समर्थन दिया था, वहीं आज 2019 में 340 प्लस जो अभी चल रही है वोटिंग काउंटिंग, उसमें कहीं ना कहीं न्याय
जनता को दिख रहा है और अपार समर्थन दिख रहा है। मेरा फिर एक क्वेश्चन रहेगा मेरे सहयोगी के लिए कि इस बार कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष भी दिया जा रहा है, तो क्या कहना है इनका? देखिए, ईवीएम को लेकर तो हर बार कांग्रेस का बहाना है, ये हार का बहाना है और कुछ नहीं है। क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने थोड़ी प्रतिक्रिया कम थी, लेकिन अगर बाकी दलों की बहुत ज़्यादा थी ईवीएम को लेकर। अब कांग्रेस खुलकर आ गई है और जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद में तो कांग्रेस मतलब एक तरीके से आक्रामक हो गई है ईवीएम को लेकर। अब देखना हो ये होगा कि जो आज रिजल्ट आए हैं और इतने मार्जिन से हैं, कांग्रेस वापस 2014 की तरह 50 सीटों के लगभग सिमट रही है, तो ये जो चुनाव है और जो ईवीएम का मुद्दा है ये जारी रखेंगे या फिर मुझे लगता है जारी रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि इसके अलावा उनके पास हार का कोई बहाना नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं ईवीएम को लेकर कि जो भी समस्याएं हैं चुनाव आयोग को अपने दलों को साथ में बिठाकर, देश के जो पार्टीज हैं उनको साथ में बैठकर सॉल्व करना चाहिए। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए, जो आज मतगणना थी, इससे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, इसके बाद चुनाव आयोग के पास गए कि जो मतगणना है वीवीपैट की, जो पर्चियों की मतगणना, सभी पर्चियों को मिलाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। और सही भी है, मुझे लगता है कि एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर चुनाव आयोग पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है, दुनिया के दूसरे देशों से यहाँ पे लोग सीखने आते हैं, जानने आते हैं कि वोट कैसे होता है, यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। और यही नहीं, यहाँ की मतलब यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ईवीएम्स को लेकर वो बाहर देशों में अपना रहे हैं लोग, और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के दल हैं, यहाँ के पार्टीज़ हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, वोटिंग जो है उससे हो, कागज वाले उससे ही हो, ईवीएम मशीन से ना हो। तो ये अपने आप में बहुत मतलब पिछड़ा हुआ बताना देश को ऐसा संभव लगता है। और एक तरीके से चुनाव आयोग का मतलब कि चुनाव आयोग जो है उसका सम्मान ना करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता है, और ये हार का एक बड़ा बहाना है इनके लिए। वही कहीं ना कहीं जैसे ईवीएम का भंडाफोड़ दिखाया जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष अब भी दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजे और आंकड़े साफ क्लियर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्षियों द्वारा ईवीएम पर दोष भी दिया जा रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में 2014 में 25 के 25 सीटों पर बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो इस बार क्या वही आंकड़े दोहराए जाएंगे? बिल्कुल राजवीर, देखिए 25 की 25 सीटें अभी लीड में है, जैसा कि ऑफिशियल आंकड़े हैं हमारे पास, 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी लीड कर रही है। एक जो सीट है हनुमान बेलीवाल, जो बीजेपी छोड़कर गए थे विधानसभा चुनाव 2018 से पहले, वो विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारे थे, तो एक बार फिर से वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन किया उनकी पार्टी ने, और अब जो है वो बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं, बताया जा रहा है ज्योति मिर्ध्या से, नागौर से। तो अपने आप में ये दिखाता है कि जो कांग्रेस के राज में मतलब कांग्रेस ने सरकार बनाई उसके बाद में भी कुछ ऐसा लगा नहीं प्रभाव कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात राजवीर मैं आपको बताऊं कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मुख्यमंत्री को लेकर तकरार चल रही थी विधानसभा चुनावों में, वो अब शुरू हो सकती है वापस, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो राजस्थान में सीटें ज़्यादा जीतने का चांस है, लेकिन यहाँ तो क्लीन स्वीप हो गया, बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो आंकड़े आएंगे धीरे धीरे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन स्वीप है बीजेपी का राजस्थान में एक बार फिर से, और एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ बढ़ रही है। जी, एंड मेरे साथ में कुलवंत जी हैं। कुलवंत जी से मेरा एक सटीक सा, सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई वो हमें बताएंगे कि अमेठी में इस बार जो पिछली बार स्मृति ईरानी 3.5 लाख वोटों से पीछे थी, इस बार राहुल गांधी उनसे 2000 वोटों से पीछे हैं, क्या कहना है इस बारे में? जी रणवीर, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने बस अपने भाषणों से लोगों को लुभाया है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया और 5 सालों में अपने न्याय दिखाया और जनता ने उनके विकास को, न्याय को देखते हुए ही उन्हें वोट दिया है, और इसी कारण ये रहा है कि अमेठी से बीजेपी इस बार आगे रही है। जबकि वो राहुल गांधी का अपनी सीट होते हुए वहाँ से राहुल गांधी 2000 वोट पीछे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी उनसे आगे चल रही है, यही कारण रहा है कि स्मृति ईरानी वहाँ से आगे है।
लेकिन राजीव, इसका जवाब मैं भी देना चाहूँगा अमेठी से, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों से संवाद किया है, राहुल गांधी जीते जरूर 2014 में, लेकिन जो आंकड़ा था जीत का वो 2009 से 2014 में घटकर केवल 1 लाख का रह गया, 1 लाख वोटों से वो जीते। इसके बाद राहुल गांधी अगर देखें अमेठी में तो मुश्किल से 4 से 5 बार गए होंगे, लेकिन स्मृति ईरानी हारने के बावजूद वहाँ पर हर महीने 2 महीने के बाद वहाँ पर जाती है, जनता से संवाद करती है, लोगों की समस्या उन्होंने सुलझाई है। और मुझे लगता ये सबसे बड़ा कारण है कि लोगों से अगर सीधा संवाद हो और लोग आपसे ना जुड़े, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर अमेठी में देखने को मिला कि कहीं उन्होंने अपने जाके क्षेत्र में कार्यों का मूल्यांकन किया है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगा कि जनता से जो सीधा जुड़ाव उन्होंने किया वो अब दिख रहा है और स्मृति ईरानी अमेठी से जीत की ओर बढ़ रही है। जी, अब आप हमारे साथ यूं ही स्टॉप कर दे इसको एंडिंग में। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त की। आगे फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ में। मैं रणवीर, धन्यवाद।